लॉरेंस बिश्नोई के नाम की चर्चा रुकने का नाम नहीं ले रही। हर दिन लॉरेंस बिश्नोई के नाम से ऐसा धमाका हो रहा है कि पूछिए मत। बाबा सिद्दीकी का मर्डर, फिर सलमान खान को धमकियां, और अब बिहार के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव। लॉरेंस बिश्नोई का ऐसा डर है कि जो पप्पू यादव कल तक सलमान खान को सुरक्षा देने की बात करते थे, लॉरेंस बिश्नोई को 24 घंटे के अंदर खत्म कर देने का दावा करते थे, वो पप्पू यादव आज खुद अपने लिए सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई जेल में है, वहां से बैठकर गैंग ऑपरेट कर रहा है। बावजूद इसके लॉरेंस बिश्नोई के नाम का खौफ ऐसा है कि जो भी लॉरेंस को छोटा मोटा गुंडा या बदमाश बताता है, बाद में फौरन पलट जाता है कि ना ना भाई, हमने लॉरेंस के बारे में कुछ नहीं कहा। आज आपको बताऊंगा कि लॉरेंस बिश्नोई ने यह डर कैसे पैदा किया, सलमान खान से लेकर पप्पू यादव तक लॉरेंस बिश्नोई ने किस तरह से धमकी दी, पप्पू यादव कैसे पलट गए हैं, कैसे ठंडे पड़ जाते हैं लॉरेंस बिश्नोई का नाम सुनकर। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सबसे ताजा कांड पप्पू यादव को धमकी देना है, इसका दावा खुद पप्पू यादव ने किया है। पप्पू यादव ने आज खुलासा करके सभी को चौंका दिया कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से उन्हें धमकी मिली। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक मेंबर ने पप्पू यादव को फोन पर धमकी दी है। धमकी वाला ऑडियो आपको सुनाएंगे, लेकिन पहले यह देखिए कि पप्पू यादव को धमकी देते हुए लॉरेंस गैंग ने कहा क्या। कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई ने जेल से बात करने की कोशिश की, लेकिन तुमने, यानी पप्पू यादव ने, फोन ही नहीं उठाया। तुम्हारे सारे घर और दफ्तर के बारे में हमें पता है, अब घूमो जितना घूम सकते हो, तुम्हारी उल्टी गिनती चालू हो गई है, तुम्हारी अकड़ कम ही नहीं हो रही है, तुमको कच्चा चबा जाएंगे। 3 घंटे का समय है तुम्हारे पास, ना तुम्हारे पीछे गाड़ियां आई तो कहना। ये लब्बो लुआब है उस कॉल का। किसी भी आदमी को इस तरह की धमकी भरा फोन आए तो उसकी हालत खराब हो ही जाएगी, और वो फोन अगर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से आने का दावा हो तो डर तो लगेगा ही। आपको सुनाते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मेंबर ने पप्पू यादव को क्या कहा, फिर पप्पू यादव क्या कह रहे हैं वो भी सुनवाओ। बताइए क्या आदेश है? आदेश तो कुछ नहीं है जी, आदेश इतनी है, ये गलत कमेंट या कहीं किसी के खिलाफ बोलना, सोच समझ के बोलना चाहिए भैया। किसी के खिलाफ कह रहे हैं हम, भाई साहब से आपकी क्या दुश्मनी है? नहीं नहीं, कोई भी दुश्मनी दुश्मनी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मेंबर ने कहा कि लॉरेंस बिश्नोई ने जेल से ही पप्पू यादव को फोन किया था, इसके लिए जैमर तक को बंद करवाया था, लेकिन पप्पू यादव ने फोन नहीं उठाया। सुनिए लॉरेंस गैंग ने पप्पू यादव से इस बारे में क्या कहा। नहीं भाई ने फोन करवाया, जैमर बंद करवा के करवाया, जेल का जैमर बंद कराना बच्चों का खेल समझ रहे हैं? 10 मिनट के लिए जेल का जैमर बंद करवा दिए, अब खाली होके अकेले में फोन पे बात कर। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने पप्पू यादव को न सिर्फ धमकी दी बल्कि पप्पू यादव के सारे घर दफ्तर के पते भी बता दिए। सोचिए लॉरेंस गैंग कितना खतरनाक। लॉरेंस गैंग ने पप्पू यादव को धमकी देने के दौरान कहा कि हमारे लोगों ने तुम्हारे घर की रेकी भी कर ली है, तुम्हारे 9 ठिकाने हैं जिनके बारे में हमें पूरी जानकारी है, दुपल्ली के हाउस पार्क में घर, अनंतपुर के हाउसिंग सोसाइटी में घर, गुरदास मुथैया की अपार्टमेंट में बिल्डिंग, पटना का घर जहां पप्पू यादव नजरबंद थे, जन अधिकार लोक सेवा का पार्टी ऑफिस, राइटिंग रोड अरण्य भवन के पास घर, गुप्ता जनरल स्टोर के पास का घर, परमानपुर का घर, पूर्णिया विधानसभा क्षेत्र का घर। यानी आप खुद देखिए कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के पास पप्पू यादव से जुड़ी हर जानकारी है, और ये वो जानकारी है जो धमकी देते हुए बताई गई, और भी पता नहीं क्या क्या जानकारियां होंगी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने पप्पू यादव से साफ साफ कहा कि सुधर जाओ, नहीं तो जो हमारे रास्ते पर आता है उसके साथ बुरा होता है, हम दोबारा फोन नहीं करेंगे, अब हमें डिस्टर्ब मत करना। सुनिए एक बार फिर बताऊंगा कि पप्पू यादव ने गृहमंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर क्या मांग की। कर्म और कांड दोनों करते हैं भैया, कर्म कर लिए बाद में, भाई साहब की वो डायलॉग तो सुना होगा भैया। एक बात आसानी होगी भैया, एक बात समझिए, मैं आपको बता दूं, बहुत क्लियर हूं मैं इस मामले में कि पप्पू यादव जी देश के 7 बार इंडिपेंडेंट MP रहे हैं, और उससे मतलब पॉलिटिक्स से जुड़े हैं, नाम जाने मेरी हमारे रास्ते में आएगा, मेरी बात सुन के समाज हो रहा है वही होता जाएगा। आपके रास्ते में ना कोई जा रहा है ना जाता है ना जाएगा, वो पॉलिटिकल चीजें हैं, पॉलिटिकल चीजें होती रही है। बात करते हैं पॉलिटिकली, उन्हें पॉलिटिकल नाले किसी के खिलाफ बोलना, किसी को शब्द बोलना पॉलिटिकल नहीं है, बाकी हम देख लेंगे। एक बार फोन करने का मकसद यही था, सुधर जाओ नहीं आगे तो देख ही लेंगे हम। नहीं नहीं निश्चित रूप से आप बेफिक्र रहे, आप बेफिक्र फोन नहीं करेंगे ना हमें डिस्टर्ब करना। ओके।
लॉरेंस बिश्नोई ने जान से मारने की धमकी दी तो पप्पू यादव ने फौरन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी। पप्पू यादव जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग को कोई सड़क छाप गैंग समझ रहे थे, वो धमकी मिलने के बाद इतना डर गए कि अमित शाह से सुरक्षा बढ़ाने की मांग करने लगे। जबकि कुछ दिनों पहले यही पप्पू यादव मुंबई में सलमान खान से मिलने गए थे, जिसमें वो सलमान खान को सुरक्षा का भरोसा दे सकें इसके लिए गए थे। अब स्थिति एकदम उल्टी हो गई। सलमान खान को सुरक्षा देने गए थे, अब कह रहे हैं अमित शाह जी मुझे बचाइए। पप्पू यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से कहा है कि अभी वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिल रही है, जिसे बढ़ाकर जेड कैटेगरी कर दीजिए सर। लगातार धमकियां मिल रही हैं, अगर सुरक्षा नहीं बढ़ाई तो हत्या हो सकती है। हर जिले में हमारे लिए पुलिस एस्कॉर्ट की भी व्यवस्था की जाए। सरकार हमारी सुरक्षा के प्रति निष्क्रिय दिख रही है। अगर हमें कुछ हो जाता है तो जिम्मेदारी सरकार की है। पप्पू यादव ने 13 अक्टूबर को लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ एक ट्वीट किया था। दावा किया था कि कानून अगर इजाजत देगा तो वो 24 घंटे में लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2% के अपराधी का पूरा नेटवर्क खत्म कर दे। 24 घंटे में 2% का अपराधी बता रहे थे लॉरेंस बिश्नोई को और कह रहे थे 24 घंटे में निपटा दूंगा। आज अमित शाह से हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि सर मेरी वाई कैटेगरी की सुरक्षा को जेड कैटेगरी कर दी। अपनी सुरक्षा बढ़ाने की अपील कर रहे हैं पप्पू यादव। लॉरेंस बिश्नोई को खत्म करने के ट्वीट के कुछ दिन बाद जब पप्पू यादव से सवाल भी पूछा गया तो लॉरेंस बिश्नोई के बारे में एक शब्द बोलने को तैयार नहीं हुए थे। बड़ा वायरल हुआ वो वीडियो, सुनिए किस तरह से हड़बड़ा के सुन के नहीं नहीं इस पर नहीं पूछो हमसे, देखिए। ये सब बात मैंने पहले मना कर दिया था, बात नहीं पूछेंगे, आप ज्यादा तेज मत बनिए। मैंने आपको पहले आते कह दिया था इस सब सवाल नहीं होगा। अब लोग पप्पू यादव को भी सलाह दे रहे हैं कि सर थोड़ा सा आपको भी संभलना चाहिए था ना, ऐसा ट्वीट कर रहे हैं आप कि 2 कौड़ी का अपराधी 24 घंटे में लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2% के अपराधी के पूरे नेटवर्क को खत्म कर दूंगा। तो कोई गरिमा होनी चाहिए ना जब आप उसको, या तो उसको सीरियसली लिखिए और नहीं तो फिर इतना घबरा गए कि अब कह रहे हैं कि मेरी सुरक्षा बढ़ाइए। पप्पू यादव अगर डर रहे हैं और सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं तो इसके पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नेटवर्क है। पप्पू यादव को सिर्फ फोन पर ही धमकी नहीं मिली है, बल्कि सोशल मीडिया पर भी पप्पू यादव को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। लॉरेंस गैंग के संपर्क में अलग अलग राज्यों के कई छोटे बड़े गैंग हैं जो लॉरेंस के लिए काम करते हैं। ऐसा ही एक गैंग झारखंड का अमन साहू गैंग है। अमन साहू गैंग भी पप्पू यादव से नाराज है और फेसबुक पर पप्पू यादव को अपनी हद में रहने की धमकी दे रहा है। धमकी में कहा गया है कि पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई भाई के बारे में उल्टा सीधा बयान दिया था। हम पप्पू यादव को साफ साफ कह रहे हैं कि अपनी हद में रहकर राजनीति करें, ज्यादा इधर उधर या 3-5 करके टीआरपी कमाने के चक्कर में पड़े तो हम पप्पू यादव को रेस्ट इन पीस कर देंगे। ये धमकी मयंक सिंह नाम के फेसबुक अकाउंट से दी गई थी। 26 अक्टूबर को मिली इस धमकी का भी जिक्र पप्पू यादव ने अमित शाह को लिखी चिट्ठी में किया है। लॉरेंस बिश्नोई पर बयानबाजी करके पप्पू यादव ने बिन बुलाई मुसीबत अपने सिर पर ले ली। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि लॉरेंस बिश्नोई धमका ही रहा है, लॉरेंस बिश्नोई को भी धमकियां मिल रही हैं। लॉरेंस बिश्नोई को क्षत्रिय करणी सेना ने धमकी दी। लॉरेंस को मारने वाले पुलिसकर्मी को 1 करोड़ इनाम देने की घोषणा हुई है। इसके अलावा भी सोशल मीडिया पर लॉरेंस बिश्नोई को धमकियां मिल रही हैं। भाई रायबरेली के एक युवक ने लॉरेंस बिश्नोई को धमकी दी थी कि लॉरेंस को जेल में ही मारने की बात कर रहा था। वो धमकी देने वाला सलमान खान का फैन था। लॉरेंस के खिलाफ 5,000 शूटर एक्टिव होने की बात कही थी उसने। पुलिस ने फिलहाल इस आदमी को गिरफ्तार कर लिया है। लॉरेंस बिश्नोई भले जेल में बंद है लेकिन उसकी जान के दुश्मन भी कम नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई का सबसे बड़ा दुश्मन बम्बीहा गैंग है। बम्बीहा गैंग के निशाने पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मेंबर्स हैं और बम्बीहा गैंग ने दिल्ली में एक वारदात से अपने इरादे जाहिर कर दिए। दिल्ली के रानीबाग इलाके में एक बिजनेसमैन के घर के बाहर 7 से 8 राउंड फायरिंग हुई। हवा में बाइक पर आए 2 लड़कों ने फायरिंग करने के बाद वहां एक पर्ची भी छोड़ी जिस पर बम्बीहा गैंग के शूटर्स कौशल चौधरी और पवन शौकीन का नाम लिखा था। इस शूटआउट के जरिए बम्बीहा गैंग का मकसद अपनी मौजूदगी दिखाना था। लॉरेंस बिश्नोई गैंग और बम्बीहा गैंग की दुश्मनी बहुत पुरानी है। दोनों गैंग की लड़ाई में न जाने कितने ही लोगों की जान जा चुकी है। लॉरेंस बिश्नोई कनाडा और अमेरिका से ऑपरेट करता है तो बम्बीहा पंजाब और आर्मेनिया से ऑपरेट करता है। लॉरेंस जेल से ही गैंग को कमांड देता है। अमेरिका में बैठा गैंगस्टर गोल्डी बराड़ बिश्नोई गैंग का कमांडर है। गोल्डी बराड़ की मदद करता है अनमोल बिश्नोई और राजस्थान के गैंगस्टर रोहित गुदारा। सलमान खान के घर बाहर जब फायरिंग हुई थी तो रोहित गुदारा ने ही सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर जिम्मेदारी ली थी। दूसरी तरफ है बम्बीहा गैंग जो सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के बाद से ही लॉरेंस बिश्नोई से बदला लेना चाहता है।
बम्बिया गैंग की कमान संभाल रहा है गौरव पटियाल उर्फ लकी, जो चंडीगढ़ का रहने वाला है और पंजाब का बड़ा गैंगस्टर है। गौरव पटियाल हत्या की कोशिश और एक्सटॉर्शन जैसे मामले में जेल में बंद था और बाद में अर्मीनिया भाग गया। बम्बिया गैंग का दूसरा बड़ा मेंबर है अमित डागर, जो लॉरेंस के खास विक्की मिद्दू खेड़ा के मर्डर में शामिल था। इस गैंग का तीसरा बड़ा नाम है कौशल चौधरी, जिसके नाम की पर्ची दिल्ली में बिजनेसमैन के घर के बाहर फेंकी मिली। बम्बिया गैंग का टॉप गैंगस्टर है मनदीप धालीवाल। ये चार